तो हम बात कर रहे हैं इफ कंडीशंस में एल्स इफ के बारे में, राइट। जैसे कि आपके सामने यहाँ सेल्स दिख रहा है, मुझे इस पे क्या देना है, मुझे इस पे इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव मतलब जो 0 to 40 हुआ तो 500 का, 41 to 80 हुआ तो 1000 का, और 81 to 100 हुआ तो यहाँ पे 2000, और ग्रेटर देन 100 है तो 5, राइट। तो इसके लिए चलिए डेवलपर में चलते हैं, विजुअल बेसिक, और हम यहाँ डुअल स्क्रीन कर लेते हैं। इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आर आर /1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां हम लूप लगाते हैं कि 4 आई इक्वल टू चले 2 to 8, नेक्स्ट आई, और यहाँ हम एक वेरिएबल भी लेते हैं डिम आर एज ए आर और कॉमा सी एज ए लॉग, और यहाँ हम सी इक्वल टू करते हैं रेंज बी के साथ आई डॉट वैल। अब यहाँ कंडीशन होगा कि इफ सी इज लेस देन इक्वल टू 40 देन सर, इसमें डाउट है। अभी सी के तो सारे वैल्यू इंटीजर आने वाले हैं, मतलब हमने इसको सी को डिम आर से लॉन्ग क्यों डिफाइन किया है? इंटीजर, देखिए इंटीजर में लिमिटेशन है आपका कि 32,000 से नीचे का ही ले। चलो यहाँ मान लीजिए कि सेल्स है, नंबर्स है, जहाँ इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में सेल्स बढ़ भी तो सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 50,000 की क्वांटिटी हो जाएगी तो फिर आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा ना इंटीजर पे, समझ गया ना। ठीक इससे लॉन्ग अंडरस्टूड सर, देखिए, आप जब अंडरस्टूड सर। कंफर्म हो कि मेरी आईडी 32,000, मेरी सेल्स 32,000 से ऊपर नहीं जाएगी, देन हम इंटीजर लेते हैं। ठीक है अगर हम सर, कंफर्म है कि 255 से ऊपर नहीं जाएगा तब हम बाइट लेंगे। कंफ्यूजन है तो हम नहीं नहीं लॉन्ग क्लियर है लेते सर। हैं, लॉन्ग लेते हैं। और आप ये भी कंफ्यूज है कि मेरा डेसिमल में भी हो सकता है तो हम लॉन्ग भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डेसिमल डबल। लेंगे, डबल डबल लेंगे। हाँ जरूरी नहीं कि हो, लेकिन ये इस तरह से माइंडसेट है कि हाँ इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डेसिमल भी आ जाए या आ सकता है। तो यहां पे हम आर करते हैं, यहां पे आर इक्वल टू 5, ठीक है। फिर यहां देते हैं एल्स इफ और सी इज लेस देन इक्वल टू 80 दैट आर इक्वल टू 1000। फिर वापस एल्स, एल्स इफ मतलब कि पहला इफ चलेगा अगर रिजल्ट ट्रू फॉल्स हुआ तो दूसरा चलेगा, नहीं तो फिर तीसरा इफ चलेगा। इसी को एल्स इफ कहा जाता है कि सी इज लेस देन इक्वल टू 100 देन आर इक्वल टू 2000। वापस एल्स इफ सी इज लेस देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन 100 देन, सर इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन डाल दीजिए, कंडीशन है, हो सकता है पड़ जाए। सीधा एल्स करके भी क्लोज जाएगा ना, तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं, जो बचा 100 से ऊपर ही बचेंगे। हाँ तो उसमें हमारा टेक्स्ट यूज हो गया, तो जैसे मान किसी टेक्स्ट या एरर आ गया तो, समझ आया कि नहीं समझ आया आपको। नहीं सर, अच्छा अब मान लीजिए कि हम यहाँ बीच डायरेक्ट का अगर टेक्स्ट का कॉलम हो डायरेक्ट गया था। एल्स अच्छा डाल अच्छा देते हैं तो हो सकता है कि 0 से -में आ गया तो उसको 5000 मिल जाएगा ना सर, अच्छा या कोई टेक्स्ट हो गया या फिर कोई एरर आ गया, जी इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 100 किया है। जी
आर इक्वल टू 5000। और लास्ट में कर दीजिए एंड इफ, और फिर रेंज हमने किया सी के साथ आई को कंबाइंड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है सर। जी अब इसी चीज एल सिर्फ समझ में आ गया ना आपको सर, ये आपका। समझ में आया सर। हाँ अब इसी तरह से इसी के बिहाफ पे लेते हुए हम जो है केस भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब बोलेगा सर केस क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं केस क्या होगा। यहां पे हमने लिखा सिलेक्ट केस किसके साथ, सी के साथ। अब यहां पे लिखना है कि केस 0 to 40 आर इक्वल टू 5, केस 41 to 80 आर इक्वल टू 1000, केस 81 to 100 आर इक्वल टू 2000, केस ग्रेटर देन, शुरुआत 20,000 हो गया। हाँ चेंज कर देता हूं, ये अपने आप लग जाता है, तो आर ओके इक्वल टू 5000। और लास्ट में कर दीजिए एंड सेलेक्ट। तो इस तरह से अब जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे और लगाते हो, मान लीजिए इसमें एक देना है कि भाई 50, 60, 70, 80, 90 को हमें 500 देना है, राइट। तो आप यहां पे 800 देना है, तो यहां पे हम केस ले सकते हैं, केस 50, 80, 90, 70, 70, तो आर इक्वल टू 800। समझे सर। जी तो केस से क्या बेनिफिट है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को लगाने, जैसे यहां पे हमें यही लगाया था, इसके लिए हमें और लगाना पड़ता है ना, क्या सर बच गए यहाँ पे। यहाँ पे आप जी सीक्वेंस 1 to 100, 2 to 100 आसानी से लिख सकते हैं, जी बिटवीन में एंड लगाने की जरूरत नहीं है, समझे। जी सर। तो ये आपका केस होता है, इसका तो ये इस्तेमाल केस में 0 to 40, केस में 0 to 40 डालते हैं, ये 42 और 41 80 लिखा है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 41 एंड लेस देन इक्वल टू 80, दोनों साइड में इक्वल लगा हुआ है, जी, दोनों साइड में इक्वल लगा हुआ है। बिल्कुल ओके समझ आ गया आपको सर। जी सर। तो हमने अभी तक जो सीखा, इफ स्टेटमेंट सीखा, इफ स्टेटमेंट में हम एंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं सीखा, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम और का इस्तेमाल कैसे करते हैं भी सीख गए, साथ में हमने बात किया कि एक इफ के साथ दूसरा इफ हम कैसे लगाते हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, इसको हम नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं। साथ में हमने जाना एल्स इफ कि फॉल्स कंडीशन में इफ कैसे लगाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा इफ चले, और वो सारा एक ही इफ का पार्ट हो, जैसे ये देख पा रहे हैं ये अलग अलग इफ नहीं लगाए, ये सारा एक ही इफ के पार्ट है, जी अलग अलग इफ लगाऊंगा दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, जी और साथ में आपके साथ सिलेक्ट के बाद केस के बारे में बात की, ये जी समझ में आ गया आपको सर। हाँ जी सर। तो हमने समझिए तो इफ स्टेटमेंट कंडीशंस को कर लिए है कंप्लीट। ओके अब इसके बाद एक आएगा टेस्ट।